बिहार यूपी में रेलवे परीक्षार्थी हिंसक हो गए हैं और जानकारी आपको दे दें कि परीक्षाओं पर रोक के बावजूद फिर फूंक दी गई है बोगियां रेलवे की। तो पथराव कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है और इसी दौरान आरआरबी एनटीपीसी और बिहार में लगातार तीसरे दिन छात्रों का हिंसक रुख देखने को मिला। बिहार यूपी में रेलवे परीक्षार्थी हिंसक होते हुए नजर आए तो सीधे तौर पर बड़ी खबर, परीक्षाओं पर रोक के बावजूद गया में फिर फूंकी गई है बोगियां। बिल्कुल, पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई, स्टेशन पर पथराव किया गया। हालांकि कल हमने देखा कि किस तरीके से अश्वनी वैष्णव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रेल मंत्री की तरफ से और उनकी तरफ से बताया गया, पूरी जानकारी दी गई, लेकिन इस बाबत ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि बिहार और यूपी में रेलवे परीक्षार्थी काफी हिंसक हो गए हैं। परीक्षाओं पर रोक के बावजूद एक बार फिर से बोगियों में आग लगा दी गई है। रेलवे मंत्री का बयान पहले ही आ चुका है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखा जाए और इसमें आग ना लगाई जाए। तो सीधी तौर पर जिस तरह से कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि मामले की जांच हो रही है और एक कमेटी का गठन भी किया गया जो सीधे तौर पर 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, बड़े ही संवेदनशील से इस मामले को देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो हिंसक रूप है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपको ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें लगातार आ रही हैं ऐसी, क्योंकि रेलवे की कई बोगियों को फूंक दिया गया है और ये धू धू करके जो पैसेंजर गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं कि बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रेलवे मंत्री ट्वीट के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अश्विनी वैष्णव की तरफ से की गई और जैसा पूजा आपने बताया कि उन्होंने कहा कि कमेटी गठित कर दी गई है और रेलवे आपकी संपत्ति है, फिलहाल इसके बाद भी हिंसा रुकने का नाम